कात्यायनी। क्या है श्री कृष्ण का माँ कात्यायनी से संबंध? कैसे करें माँ कात्यायनी को प्रसन्न? जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नवरात्रि स्पेशल वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ अनुष्का सिंह। दर्शकों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। माँ कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा स्वरूप माना गया है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर माँ कात्यायनी को देवी दुर्गा के छठे स्वरूप में क्यों जाना जाता है और उनका नाम कात्यायनी क्यों पड़ा और उनका श्री कृष्ण से क्या संबंध है। दोस्तों, आपको बता दे, कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती की उपासना और कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हो। तो उनके तपस्या के फल के रूप में माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए देवी माँ का नाम कात्यायनी कहलाया। माँ कात्यायनी का गुण शुद्ध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। आपको बता दे, माता वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई थी। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा आराधना की थी। माँ कात्यायनी के चार भुजाएं हैं। दाई तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार एवं नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से आपको बड़ी ही आसानी से अर्ध धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। हर तरफ के रोग भय नष्ट हो जाएंगे, साथ ही आपके पूर्व जन्म के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करें। इस दिन सुबह नहाने के बाद आप साफ वस्त्र धारण करें और पूजा का संकल्प लें। माँ कात्यायनी को पीला रंग बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा के लिए अगर आप पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो वह शुभ माना जाता है। माँ को अक्षत, रोली, कुमकुम, पीले पुष्प चढ़ाएं और भोग में आप माँ कात्यायनी को शहद चढ़ाएं। आप शहद अगर चांदी या मिट्टी के बर्तन में चढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आप अंत में माँ कात्यायनी की आरती कर माँ के स्तुति मंत्र का जाप करें, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि जिन महिला पुरुषों के विवाह में विलंब या देरी हो रही है तो अगर वो सच्चे मन और भक्ति पूर्वक माता कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं तो माता रानी उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी कर देती है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि माँ कात्यायनी को खुश करने के लिए अगर आप छोटी छोटी कन्याओं को अपनी श्रद्धा के मुताबिक खिलौनों का दान करते हैं तो ऐसा करने से माँ दुर्गा खुश होंगी और आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगी। तो दर्शकों, आप भी माता कात्यायनी की पूजा पूरे विधि विधान से करें, माँ का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।